हेलो जय जगन्नाथ नमस्कार सब ओडिया बंधु मानक मु स्वागत करुच मो चैनल को ओडिया ब्लॉग्स को किंतु मु एटा हिंदी रे कहूँ एथि पई कि मु चाहे कि जे अमर ओडिसा विषय रे दूर दूर को जाऊ आ समस्त ओडिया ओडिसा कोन ओडिया माने कोन आउ आम विषय रे जानंतु सेति पई मु एटा सब बेले हिंदी रे कहूँ कहि दउच आउ थरे एटा रिपीट करिकि सो लेट्स बिगिन एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स टू दिस ओडिया ब्लॉग ऑफ टुडे एंड आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाऊंगी और इसके लिए मैं सुबह 5 बजे से उठ के तैयार होके मैं निकली हूँ और आज मैं जो नज़ारा दिखाऊंगी वो सनराइज दिखाऊंगी। अभी कुछ 5:40 ऐसे होने को जा रहा है और हम जल्दी से जा रहे हैं गोपालपुर सी बीच और वहाँ हम आपको दिखाएंगे सनराइज। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, सनराइज का व्यू देखेंगे आज और ये एकदम नेचुरल नज़ारा है और कैसा लगेगा ये आप देखने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ये रोड का व्यू है, मॉर्निंग व्यू, ज़्यादा कोई नहीं है रोड में और थोड़ा कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए कोई कोई दिख जा रहे हैं और अभी आगे थोड़ा देखते हैं इसका नज़ारा। स्ट्रीट लाइट सब ऑन है अभी और बस सुबह होने को हो रही है लेकिन पूरी तरह से डार्कनेस नहीं गई है और नज़ारा बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। और मैं क्या बताऊँ, मैं सालों बाद शायद ये नज़ारा खुद देख रही हूँ क्योंकि आज संडे है, संडे का दिन मैं सोई रहती हूँ थोड़ा देर तक, लेकिन सिर्फ आपके लिए आज मैं सुबह उठ के आई और ये नज़ारा को मैं कैप्चर कर रही हूँ। सो प्लीज एंजॉय दिस ऑल ऑफ यू। ये कमापली का ओवर ब्रिज है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गोपालपुर सी बीच और सिटी से ऐसे कुछ 15-20 किलोमीटर के दूर में गोपालपुर सी बीच है और बाय रोड एंड बाय रेल आप जा सकते हैं गोपालपुर सी बीच। बाहर से आ रहे हैं वो लोग अगर गोपालपुर आए तो वो यहाँ रुकने का सब सुविधा है, बड़े होटल्स जैसे मेफेयर या फिर पाम बीच रिसोर्ट ये सब तो है ही है और बीच के सामने में बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं और आराम से ये जगह को एंजॉय कर सकते हैं।
बैक वाटर जैसे एरिया है और काफ़ी तर यहाँ फिशिंग बहुत होती है और इसका व्यू भी बहुत सुंदर है, सीनरी बहुत सुंदर है। और ये जो आप फुटबॉल जैसे एक देख रहे हैं वाइट कलर का ऊपर में, ये कोई फुटबॉल नहीं है, ये है डॉप्लर रैडर। क्योंकि ये जो बरहमपुर एक साइक्लोन प्रोन एरिया है और इसीलिए ये अलर्ट करती है जब साइक्लोन आता है, उस बारे में सूचना देती है, अलर्ट करती है, तो इसको डॉप्लर रैडर बोलते हैं। और बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि ये सूचना दे देती है साइक्लोन के बारे में। बहुत सुंदर इसका व्यू है, देखिए सीनरी कितना सुंदर है और बहुत काम एटमॉस्फेयर है, ग्रीनरी भी भरती है। ये सब फिशिंग के नेट लगाए हुए हैं और इधर उधर थोड़ा सा पानी तो जमा हुआ है,
यहाँ से ये लोग प्रॉन्स या फिर छोटे छोटे मछली, काफ़ी तरह के मछली यहाँ से कलेक्ट करते हैं। कभी कभी आप फ्रेश मछली यहाँ से खरीद भी सकते हैं, क्योंकि वो लोग तुरंत ही जो मछली पकड़ते हैं उसको सेल करने के लिए बैठ जाते हैं वहीं पर। और बहुत अच्छा वैरायटीज़ का मछली मिलती है, छोटा छोटा मछली प्रॉन्स ये सब मिलती है। काफ़ी एरिया है, पानी जमा हुआ है बैक वाटर जैसे। ये हम लोग ऋषिकुल्या ब्रिज पर है और दोनों तरफ ऋषिकुल्या रिवर बहती है, और इसका नाम ऋषिकुल्या इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ ऋषि लोग पहले बैठ के मेडिटेशन करते थे, इसीलिए ऋषिकुल्या रखे हैं। और ये जो ऋषिकुल्या रिवर है मछलियों से भरा रहता है, और मछुआरे लोग यहाँ से मछली पकड़ कर रिवर से एकदम फ्रेश मछली सेल करने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। और आज हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ मछली का वैरायटी सब जो बेच रहे हैं उसको देखेंगे और यहाँ से मछली खरीद के भी लेके जाएंगे। এটাই ঋষিকুল্যা নয়ডু আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখি দেবা টিকে করতে কোন কোন আছে। ये कारा पापलेट है। সুতোটা বাহার করে দিতে হবে না বাড়ি। হ্যাঁ, हम लोग अभी पहुंच गए हैं घर वापस, और ये सब मार्केटिंग करके लाए। तो निकले थे हम लोग 5:30 को, सुबह के 5 बजे निकले थे, और अभी कुछ 9:30 होने को जा रहा है। और इस बीच में हम लोग पहले गए हम लोग गोपालपुर बीच, वहां के सनराइज देखे, फिर हम लोग गए ऋषिकुल्या रिवर, वहां जो फिशिंग करके एकदम ताज़ी मछली जो पकड़ के बेच रहे थे वहाँ से मछली खरीदे। ये मछली देखिए आपके सामने में है, 2 टाइप के मछली है और काफ़ी फ्रेश मछली है, और इसको हम लोग वहाँ से खरीद के लाए। और उसके बाद हम लोग आए कमापली मार्केट।
कमापली मार्केट से हम लोगों ने ये सब खरीदा वेजिटेबल्स। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये पम्पकिन फ्लावर है और इसका बहुत अच्छा रेसिपी ओडिशा में बनती है। और ये पपाया है और ये सारे साग लेके आए हैं। और ये जो है मोरिंगा, सजना बोलते हैं यहाँ ओडिशा में, सजना साग बोलते हैं ओडिशा में, तो इसका भी बहुत अच्छा रेसिपी बनता है। और गोभी लेके आए हैं, तो ये हो गया आज का मार्केटिंग। और ये लेके आए हैं, और ये हो गया, और अदरक, नाइस मैसिव अदरक। तो ये हो गया आज का, तो ये बीन्स टाइप का कुछ, तो हो गया आज का जो मार्केटिंग। तो ये सब लेके आए और अच्छा घूमना हुआ और बहुत अच्छा सीनरी का वीडियो मैं बनाई हूँ। ज़रूर ये वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।